हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मेरा चैनल यार ना मोनेटाइज होते होते से बच गया, और उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। बट क्या हुआ मेरे साथ और मेरे चैनल पे 3600 वाच टाइम, आवर का वाच टाइम कंप्लीट हो चुका था जब मैं रात को 10 बजे अपना चैनल पे यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया। तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ 800 आवर का वॉच टाइम शो कर रहा। सच बोलूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और ये हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हुआ, क्योंकि वो मेरा साल भर के पूरे मेहनत था, पूरे मेरे साल भर का मेहनत था। और यार क्या बताऊँ तुझे, जब मैं वो देख, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज ऑलमोस्ट होने ही वाला था, कुछ दिन में मोनेटाइज हो जाता, 3600 आवर वॉच टाइम था और एकदम से 800 हो गया। तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो फिर मैं YouTube सपोर्ट एक साइट करके आता है, वहाँ पे मैं देखा और वहाँ पे मैं गया उस साइट पे, और उसके बाद से क्या हुआ कि मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ा उसके बाद, उसके बारे में जाना, तो पता चला कि YouTube का ये रूल होता है कि आप क्या कर सकते हो कि 1 ईयर का ही, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का ही वॉच टाइम काउंट होता है आपका, आपके जो भी चैनल पे है मोनेटाइज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का ही काउंट होता है। ठीक, 1 ईयर से मतलब कि आप अगर ज़्यादा हो जा रहा, 1 ईयर के ज़्यादा हो जा रहा, तो फिर आपका वो क्या होगा कि चैनल का जो वॉच टाइम होता है वो काउंट नहीं होता है, आपका चैनल का जो वॉच टाइम है वो काउंट नहीं होता है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।